चलो मैं क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज। अच्छा कैपिटल क्यू साइज जैसे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले एक चार्ज यहां रख दिया हमने क्यू, एक चार्ज यहां रख दिया क्यू, बीच में एकदम मिडल में एक क्यू चार्ज रखा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। देन सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहली बात, अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो सिर्फ इसी को नहीं रहना है, इन दोनों को भी रहना है, सिस्टम को कह रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है, इक्वल चार्जेस हैं क्यू, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस स्मॉल क्यू को इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, इस स्मॉल क्यू को इसको भी अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है ना। तो इस पे जो लगने वाला रिपल्शन का फोर्स है वो कितना होगा, के कैपिटल क्यू इंटू, कैपिटल क्यू इंटू डिस्टेंस ए कंसिडर कर लो, ये ए कंसिडर कर लिया, ये ए बाई टू कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, बाई ए स्क्वायर। अब ये अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, ये वाला वो होना चाहिए के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्सेस, ये फोर्स इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, तो F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो F1 की वैल्यू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये कितना होगा, K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन A स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला गया। अब दोनों साइड से K कटेगा, A स्क्वायर स्क्वायर भी कटेगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल Q कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, करेक्ट है। अब इसमें कैपिटल क्यू भी कटा, क्यू इज इक्वल टू 4 स्मॉल क्यू, ये आ गया, देखो जरा चेक करो, ठीक लिख रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा है। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4 आना चाहिए, लेकिन माइनस में आना चाहिए, ध्यान रखना, निगेटिव आएगा तभी ना अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस क्यू बाई 4 ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।